करनाल के मॉडल टाउन स्थित दयानंद कॉलोनी में 2 दिन पहले कार सवार बदमाशों ने दयानंद कॉलोनी में रहने वाले अजय नाम के युवक पर पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चलाई थी। एक गोली युवक की जांघ में लगी थी, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की। 48 घंटे बाद CIA 1 पुलिस की शाखा ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने पिस्टल और कार बरामद कर लिया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। दयानंद कॉलोनी मॉल टाउन में एक फायर का इंसिडेंस हुआ था, जिसमें कुछ व्यक्तियों ने अजय नाम का एक वहीं का रेजिडेंट है उसके ऊपर फायर किए। करीब 4 राउंड फायर हुए, जो एक बुलेट उसकी टांग पे लगी। ये अभी इंटरोगेशन का एक सवाल है, अभी क्योंकि जस्ट अरेस्ट किया है, अभी इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड भी सीख की जाएगी, और क्या इसका सोर्स है वहाँ तक भी हम जाएंगे, और जो जो इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिंगली गाँव के पास एक टीम गई थी, वहाँ से राउंड अप किया, इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।